देखो रबी अव्वल के बारे में लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना, उसमें जश्न करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे खुशी मनाना, ये इस्लाम में कैसा है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखते हैं। पहली बात तो ये कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, इस पर कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है। अगर है तो भाई कोई दिखा दे, भाई ये रिवायत है, इसके ये रावी हैं, सारे फ़िक़ा रावी हैं, ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है। और उसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की विलादत के दिन को उम्मत से छुपा लिया है ताकि उसमें खुराफात न, क्योंकि पिछली उम्मतों ने किया ना अपने अंबिया की विलादतों के दिन के साथ। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें, लोग बहस करते हैं नहीं जी फ़लाँ ने लिखा है तो फ़लाँ ने लिखा, चलो मान लिया कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यौम विलादत पे क्या करना मिलता है। अहादीस सहीहा से सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोज़ा रखते थे। सहाबा ने पूछा क्यों, आपने फरमाया ये मेरा यौम विलादत, पीर को आप पैदा हुए। अब देखो पीर को नबी ने रोज़ा रख के ये बता दिया कि इसमें ईद का तसव्वुर नहीं है, क्योंकि ईद और रोज़ा जमा बोलना पड़ेगा आप लोगों को, जमा नहीं हो सकता। अब इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता, जिस दिन रोज़ा हो जाएगा ना, अब वो सेलिब्रेट करना उसको मुमकिन है ही नहीं, उसमें जश्न का तसव्वुर ही ख़त्म हो गया। जो हमारी ईदें हैं इनमें रोज़ा रखना जायज़ है? ईद उल फितर को कोई रोज़ा रखे? बोलो भाई, अगर जिस दिन रोज़ा रखा वो ईद नहीं हो सकती, जो ईद है वो रोज़े का दिन, क्या ख्याल है? ईद और रोज़ा एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट, क्योंकि ईद एक खुशी का दिन है और उसको सेलिब्रेट करना है, तो सेलिब्रेट जो किया जाता है खा पी के किया जाता है या भूखा रह के किया जाता है? देखो आपके बच्चे का इम्तिहान में पास हो गया अच्छे नंबरों से, बहुत खुश हैं आप, आपने तमाम रिश्तेदारों को फ़ोन किया, भाई मेरा बच्चा 100 नंबरों से पास हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अब जश्न मनाऊंगा, एक सेलिब्रेट करूंगा इसको। भाई कैसे करेंगे? भाई आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि सुबह का नाश्ता भी छोड़ दें और कल दोपहर का खाना भी छोड़ दें। हैं भाई ये क्या हो गया भाई, ये खुशी है या कोई गम है? हैं भाई रोज़ा कोई गम की अलामत नहीं है लेकिन खुशी भी नहीं है। खुशी का मतलब खुशी को सेलिब्रेट करना नहीं है, मनाना, खुश होना एक अलग चीज़ है, खुशी मनाना। भाई खुश होने पर तो हम भी कोई पाबंदी नहीं लगा रहे कि आप 12 रबीउल को खुश हो जाएं, मसला है खुशी मनाना, मनाने का सिर्फ ईद को, खुश होने पर कभी भी नहीं मनाई जाएगी, सिर्फ ईद के दिन या कोई खुश यानी या कोई खाना खिला के। तो आपके बच्चा 100 नंबरों से पास हुआ, आपने कहा कि हम खुशी मनाएंगे, भाई कैसे मनाएंगे, आप भी खाना छोड़ दें और हम भी खाना ले, भाई वो कहेंगे भाई पहले हम इस तरह तो होगा कि आज हम ज़्यादा खाएंगे, इस तरह तो मनाई जाती है। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, दूसरी दलील, जुमे का दिन भी छोटी ईद है ना, इसको भी ईद कहा गया है रिवायतों में, इसी वजह और ईद के बहुत सारे अहकाम जुमे के दिन भी लागू होते हैं, गुसल करके नहा धो के मस्जिद में इज्तिमा होता है, ईद के दिन भी गुसल करके नहा धो के इज्तिमा होता है, नबी जुमे के दिन भी अच्छे कपड़े पहनते थे, हम ईद के दिन भी बोलते क्यों नहीं अच्छे कपड़े पहनते हैं, जुम्मे के दिन भी खुशबू लगा के नहा धो के, ईद के दिन भी ऐसे ही। और हदीस में जुम्मे के दिन को भी रोज़े के साथ ख़ास करने से मना किया गया है, ला तख्तसु लैलतल जुमुआती बिसलातिन वला यौमल जुमुआती बिसौमिन, हदीस में आता है जुम्मे की जो रात है उसको इबादत के साथ ख़ास मत करो और जुम्मे के दिन को रोज़े के साथ ख़ास मत। जुम्मे को रोज़ा रखना कोई इजाफी फजीलत नहीं है, वैसे जायज़ है रोज़ा रखना कि आपकी छुट्टी जुम्मे को होती है इसलिए रख लिया तो एक अलग बात है, लेकिन इसको ख़ास फजीलत दे के रखना तो इस, ये मुकम्मल ईद तो नहीं है, इसमें ईद का लुक बहरहाल बोलो भाई है, खुतबा भी है, जैसे ईदैन में खुतबा भी होता है, 2 रकतें हैं ईदैन में भी 2 रकत, तो लुक है इसमें। अब ज़रा टेक्निकल पॉइंट को समझिएगा आप लोग, यहूदी सबसे पुरानी कौम है, उनके लिए जो मुकद्दस दिन था वो कौन सा था? हफ्ता, और वही उनकी छोटी ईद था, सब समझ रहे हैं ना, उसी में वो इज्तिमा करते थे। ईसाई उसके बाद आए, उनके लिए कौन सा हुआ? इतवार को, जो हफ्ते के बाद है। मुसलमान उनके भी बाद आए, तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए था? पीर। और ये यौम विलादत भी था तो इसको तो ज्यादा फजीलत होनी चाहिए थी ना भाई, अकली लिहाज से भी और
जो हिकमत है उसके लिहाज से भी, अकली लिहाज से, इसलिए कि वो पहले थे तो हफ्ता, फिर उसके बाद इतवार, तो अब हमारे लिए पीर, और इसलिए भी कि नबी का यौम विलादत है, तो ये बतरीक़े औला पीर के दिन को फजीलत मिलनी चाहिए थी क्योंकि वो नबी का यौम विलादत है, लेकिन चूंकि उसमें ईद का कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए पीर का नहीं हुआ, बल्कि रिवर्स करके कहाँ ले गए, जुमे की तरफ। तो पीर के दिन या नबी के यौम विलादत से ईद का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने खुरच खुरच के निकाल दिया है कि इसमें ईद का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, अपोजिट है उसका, रोजा है। बात आ रही है समझ में? तो इसलिए 12 रबीउल अव्वल अगर नबी का यौम विलादत है भी तो बहुत कुछ भी अगर करना है तो रोजा रखना हम तो उसके भी कायल नहीं है रोजे रखने के, क्योंकि नबी ने पीर का रखा है, 12 रबीउल अव्वल का नहीं रखा। लेकिन अगर आपको खींचतान के कुछ ना कुछ साबित करना ही है तो आप इस दिन को रोजे का तो करार दे सकते हैं, आप इस दिन को सेलिब्रेट करना या ईद करार देना आपके लिए मुमकिन, कुरान और सुन्नत नबी की तालीमात के मुताबिक ईद का दिन करार देना मुमकिन नहीं है, आप मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है, एक पॉइंट और रह गया। इस्लाम में ईदें सुबह के वक्त होती हैं, रात को ईदें गैर मुस्लिमों की होती हैं। क्रिसमस ज़्यादा जोश और खरोश से कब मनाया जाता है? रात को, क्योंकि उसमें ढोल ढमक्के होते हैं, लाइटिंग होती है, लाइटिंग रात को जचती है, दिन में लाइटिंग बोलो भाई नहीं। जबकि इस्लाम के जो त्यौहार हैं वो कब होते हैं? सुबह के वक्त, सुबह सुबह आप इशराक के वक्त आओगे, नमाज़ पढ़ोगे, सवैयाँ खाओगे, गले मिलोगे, पतली गली से निकल लो। ईद उल अज़हा में भी सुबह सुबह आओगे, नमाज़ पढ़ोगे, कुर्बानी करोगे, गोश्त खाओगे, ठीक है ना, ये सब काम। तभी फुकहा ने लिखा है कि मगरिब की नमाज के बाद जानवर को कुर्बान करना मकरूह है, जायज़ है मगर मकरूह, क्योंकि शायर इस्लाम में से है दिन में होगा ये। रात को शरीयत ने इसलिए नहीं रखा कि रात का वक्त ना गुनाहों की तरफ ले जाता है, जब खुशी मनाई जाती है तो रात को इंसान ट्रैक से हटने का खतरा ज़्यादा होता है। जबकि 12 रबीउल अव्वल को जो ईद मनाई जाती है वो दिन में ज़्यादा मनाई जाती है या रात को? सारी लाइटिंग रात को होती है, सारे जो नात और म्यूज़िक के साथ वो सब कब हो रहा है? रात को। ये खुद इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। तो पता ही चलता है भाई, बहुत माजरत के साथ, किसी पे तंज मकसद नहीं है, देखो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना ये इश्क नबी है असल। याद रखो, मोहब्बत में जज्बात पे कंट्रोल करना ये ज़्यादा मुश्किल काम है, और जज्बात से हट के, जज्बात से मगलूब हो जाना ये आसान बहुत है, लेकिन ये हकीकी मोहब्बत की अलामत नहीं है। जब मोहब्बत हो ना किसी को तो अपने जज्बात को हुदूद के अंदर रखे इंसान मोहब्बत का इजहार करे, अपने जज्बात को गालिब कर लेना। नबी का इश्क हर मुसलमान को है, हर एक का दिल चाहता है ये करे, ये करे, यूं करे नबी की याद में, लेकिन आप अपने इस जज्बात पे कंट्रोल करें। बोले भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत है वो पहले है, अपने जज्बात बाद में।